चाहते कि कुर्सी क्यों खाली है। ल्यूकस, हम जानना चाहते हैं कि आखिर आज अलेक्जेंडर को ऐसा कौन सा काम है जो उसके पास हमारी तकरीर सुनने के लिए भी वक्त नहीं। अलेक्जेंडर ने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। ज्यूमनीस, तुम जानते हो? नहीं उस्ताद जमा। मगर ये जहां दीदार है तू सब कुछ जानता है। आप उनके उस्ताद हैं। ये दुनिया की बदकिस्मती है क्या अरस्तु अपनी हिकमत और दानिश के जवाहिर बिखेरने के लिए महफिल में आए और अलेक्जेंडर जो इन चीजों का सबसे बड़ा जौहरी है गैर हाजिर हो। महफिल मुंतशिर कर दो, आज हम तकरीर नहीं करेंगे। उस्ताद पर जुपिटर की मेहरबानियां हो, मगर हम तो आपकी जबान मुबारक से कुछ सुनने के लिए बेताब हो रहे। अरस्तु की तकरीर सुनना चाहते हो, लेकिन अलेक्जेंडर कहाँ है? एक बार फिर ये अर्ज करने की इजाजत चाहती हूँ कि इस नाचीज का नाम वैक्सनी नहीं रुखसाना है। मगर माँ बदौलत जिस चीज को पसंद कर लेते हैं उसके लिए यूनानी नाम तजवीज कर लेते हैं। जब तक माँ बदौलत ने तुझे देखा न था तू रुखसाना थी, मगर जब माँ बदौलत की आंखों ने तुझे देख लिया और माँ बदौलत के शाही दिल ने तुझे पसंद कर लिया रुखसाना न रही वैक्सनीज हो गई। और आलम पन्हा आप? हम यूनान में अलेक्जेंडर थे, ईरान ने हमें सिकंदर बना लिया। और इसके लिए आप ईरान से नाराज नहीं हैं? हम नाराज क्यों हों? ईरान ने हमें तुझ जैसी हसीना दी है। शहंशाह का शुक्रिया। अलेक्जेंडर को शुक्रिया का ये बूढ़ा तरीका पसंद नहीं। माँ बदौलत के करीब आओ, अपने गोरे गोरे बाजू हमारी गर्दन के गिर्द हमायल करो, अपनी रसीली आंखें हमारी नशीली आंखों से मिलाओ, अपने दिलावेज होठों पर एक दिलनवाज मुस्कुराहट लाओ, और जब हमारी दुनिया पर दीवानगी का आलम तारी हो जाए तो हुस्न हया के बोझ तले थरथराते हुए लहजे में कहो शुक्रिया। माँ बदौलत की जवान शुक्रिया कबूल करेंगे। लेकिन आलम पना, अब कहो शुक्रिया। शुक्रिया। देवताओं की कसम, तेरी शोखी और शरारत भी तेरा हुस्न है। मैंने आलम पन्हा के लिए अपने शोख हाथों से एक तोहफा तैयार किया है, आलम पन्हा तारीफ करेंगे। हम तेरे शोख हाथों की बनी हुई चीज की बगैर देखे तारीफ करते हैं। रुखसाना आपके होंठों से नहीं आपकी आंखों से तारीफ सुनना चाहती है, तो लाकर दिखाऊं? इजाजत है? गोया हाँ। जवान शुक्रिया। एक्चुअली रुखसाना। रुखसाना, ले देख हमने तुझे रुखसाना कहा, अब तो तू खुश हुई। लेकिन अगर तू आ जाए तो हम फिर उसी तरह कहेंगे वैक्सनीज, कितना हसीन नाम है। अब हमसे कौन मिलने आया है? कह दो हम यहाँ किसी से नहीं मिलेंगे। उस्ताद जमा अरस्तु तशरीफ लाए हैं। उस्ताद? आसमान के देवता तुझे चांद और सूरज की लंबी उम्र दें।
हम तुझसे कुछ कहने आए हैं, क्या तेरे पास वक्त है? मैं इतना मसरूफ कभी नहीं हो सकता कि मेरे पास अपने उस्ताद के लिए वक्त न हो। मेरे बच्चे, जहाँ तक हवा जा सकती है वहाँ तक तेरी शोहरत जाए। क्या तेरा दिल इस वक्त औरत के ख्याल से खाली है? अगर नहीं तो उसे खाली कर दे, वरना तेरा दिमाग हमारी दलील और दानिश की बातों को कबूल न करेगा। आपकी जुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज भी ऐसा नहीं जिसके लिए मेरा दिल खाली न हो। तो ले सुन, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि अगर तू दुनिया को फतह करना चाहता है तो पहले अपने आप को फतह कर, और अगर तू अपने आप को फतह करना चाहता है तो औरत की दुनिया से बच कर रहे। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो मर्द औरत की दुनिया में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। और ये हमारे दिमाग का वहम नहीं, तारीख की दुनिया का बार बार दोहराया हुआ सबक है। जो सुनेगा वो बहादुरों की न खत्म होने वाली जिंदगी पाएगा, जो न सुनेगा वो आम आदमियों की तरह अंधेरे में जिएगा, गुमनामी में मरेगा। वो कौन था जो अभी अभी आया था, अभी अभी गया है? तुम उसका नाम सुनकर क्या करोगी? ये समझने की कोशिश करूंगी कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसने आपकी मोहब्बत और रुखसाना की दिलकशी कम कर दी है। वो उस्ताद अरस्तु था। और उसने आपसे क्या कहा? उसने एक बात ये कही है कि जो दुनिया को फतह करना चाहे उसे औरत की दुनिया से बचना चाहिए। दूसरी बात? दूसरी बात ये कि औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। 100% गलत। औरत मर्द की सबसे बड़ी ताकत है। जो दुनिया को फतह करना चाहे उसे औरत को अपने पास रखना चाहिए। मर्द की जिंदगी अधूरी है, औरत उसे पूरा करती है। तुमने खूबसूरत फिक्र कहे हैं। मैं इनाम मांगती हूँ और मेरा इनाम ये है कि यहाँ बैठिए और अपने उस्ताद की दोनों बातों को मेरे घर की शराब के एक जाम में गर्क कर दीजिए। ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है? आप बादशाह हैं, फाते हैं, निकटोर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम दुनिया के सामने बादशाह हैं, फाते हैं, निकटोर हैं, मगर उस्ताद के सामने एक नादान बच्चे से भी ज्यादा नादान है। अरस्तु अगर चाहे तो हम जैसे कई सिकंदर बना सकता है, मगर 1000 सिकंदर अगर तमाम उम्र सर पटकते रहें तो भी एक अरस्तु नहीं बना सकेंगे। जा, आपने मेरी शराब ठुकरा दी। तूने माँ बदौलत को ये शराब इसलिए दी थी कि हम अपने उस्ताद की दो बातें इसमें गर्क कर दें, मगर उस्ताद ने एक तीसरी बात भी कही है। तेरे पास पत्थर का कलेजा है सुनने के लिए?
आपकी लौंडी के पास लोहे का कलेजा है। उस्ताद ने कहा है, जो मर्द औरत की दुनिया में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। अब बोल, तू क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके उस्ताद ने औरत की तकदीस की तौहीन की है। उसने औरत की बुजुर्गी को बदनाम किया है, उसने औरत की दुनिया को ललकारा है, और मैं एक नाचीज और नातवा औरत औरतों की तरफ से इसका जवाब दूंगी और उसे बता दूंगी कि औरत के सामने उसकी, उसके बुढ़ापे की, उसकी हिकमत की कोई हकीकत नहीं। वो समझता है वो हकीम है, उस पर किसी का असर न होगा, मगर मैं साबित कर दूंगी कि उसकी जिंदगी भर की कमाई हुई हिकमत को तबाह करने के लिए औरत की सिर्फ एक निगाह काफी है। तू दीवानी है, हमारा उस्ताद ऐसी बातों से बाला है। मगर वो आदमी है और हर आदमी के सीने में दिल होता है। हमारा ख्याल है उसके सीने में दिल नहीं है, और अगर कभी था तो अब मर चुका है। औरत मरे हुए दिल में जान डाल सकती है। आप सिर्फ इतना कीजिए, सुबह अपने खिड़की में खड़े रहिए और जब मैं ताली बजाऊं तो अपने उस्ताद के बाग में चले आइए, और वहाँ आपकी आंखें अपने उस्ताद की वो तस्वीर देखेंगी जिस पर आपके दिमाग को कभी यकीन ना आएगा। मैं रुखसाना हूँ। नहीं, हमें यूं कहना चाहिए कि तूने हमारा बाग नहीं उजाड़ा, बल्कि इसके फूलों को ज्यादा हसीन
और इसकी हवा को ज्यादा खुशबूदार बना दिया है। तू रुखसाना नहीं, तू अफसाना है। मैं अफसाना हूँ? नहीं, हमने गलती की, तू अफसाना नहीं है। तू दुनिया के पास जवानी का देखा हुआ ख्वाब है, तू खूबसूरती के पास मोहब्बत का गाया हुआ नगमा है, तू फूलों के कान में बहार की कही हुई कहानी है। जब हम जवान थे, या ज्यादा सही लफ्जों में जब दुनिया जवान थी, उस वक्त यूनान में तेरी उम्र की एक लड़की थी। जब वो हंसती थी दुनिया की रोशनी बढ़ जाती थी, जब वो बोलती थी बहार के बोल बेहोश हो जाते थे। वो मर गई तो हमारा प्यार मर गया, हमारा दिल मर गया, हमारी उमंगें मर गईं और हम जवानी में बुढ़े हो गए। आदमी जवानी में बुढ़ा भी हो जाता है क्या? हाँ, जवानी में बुढ़ा भी हो जाता है और बुढ़ापे में जवान भी हो जाता है। और आज हमें ऐसा मालूम होता है जैसे हमारे बाग में तू नहीं आई, हमारे बुढ़ापे में बहार आ गई। हैरान न हो लड़की, हम तुझे दुनिया की हर चीज देंगे, सिर्फ एक बात बता, क्या तू हमसे प्यार कर सकेगी? यानी नहीं कर सकेगी। तू भी दूसरे लोगों की तरह चेहरा देखती है, दिल नहीं देखती। अगर तू हमसे प्यार नहीं कर सकती तो हमारा रास्ता क्यों रोकती है? अपने प्यार की कीमत बताने के लिए। तो बता, हम उसे आसमान के तारे देकर भी खरीदेंगे। तो खुद बेवकूफ है या हमें बेवकूफ बनाना चाहती है? कोई दानिशमंद आदमी ये नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता। अफसोस, प्यार ने जवानी की छोटी सी बात भी मंजूर न की। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? ला लगाम कहाँ है? हम तेरी ये बचपन की बात मंजूर करते हैं। देख देख कर घोड़ा मेरा दुनिया है हैरान, बांका छैल छबीला गबरू मैं इस पर कुर्बान। जरा चल फर फर फर, जरा चल फर फर फर, जरा चल फर फर फर। चलने का अपने हाल दिखा, कुछ पाओ का सुरताल दिखा। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो अपने आप को फतह करना चाहे उसे औरत की दुनिया से बचना चाहिए। उस्ताद तशरीफ ले चलिए, ये लड़की इस काबिल नहीं कि आपके रूबरू खड़ी हो सके। तू हैरान हो रहा है कि उस्ताद को क्या हो गया। ये लड़की खुश हो रही है कि इसने हमें हरा दिया, लेकिन हम कहते हैं कि अगर औरत हम जैसे बुढ़े और दानिशमंद आदमी को इस तरह बेवकूफ बना सकती है तो तुम जैसे नौजवान को क्या ना बना देगी। बुढ़ापा बर्फ से भी ठंडा है, जवानी अंगारे से भी गर्म है। बुढ़ापा दाना और जहां जीता है, जवानी दीवानी और ना तजुर्बेकार है। बुढ़ापा देखता है और सोचता है, जवानी देखती है और बेकरार हो जाती है। अब आसमान के देवता तुझे देखने की आंख और सुनने के कान दें। जरा सोच, अगर औरत बुढ़ापे को शराब पिला सकती है तो वो जवानी पर क्यों ना जादू कर दे। सिकंदर, ये वाकया तेरे उस्ताद की शिकस्त नहीं, तेरी जिंदगी के लिए एक सबक है। इसे दिल की गिरह में बांध रख, ये जिंदगी भर तेरे काम आता रहेगा। हम तेरे हैं, लेकिन जब तक हम हिंदुस्तान का सर अपने सामने न झुका लेंगे, तेरे सामने न आएंगे। लेकिन
लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, आदमी के दिल का चैन लड़ाई और फतह में नहीं, अमन और प्यार में है। निगेबान तेरा मकसद दुनिया को फतह करना है, तू आगे जा, हम वापस जाएंगे। मगर मुझे आपके मशवरे की कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जो कुछ था वो हमने तुझे दे दिया, सिर्फ एक बात बताना बाकी था, औरत क्या कर सकती है, आज हमने वो भी बता दिया। अब हमारे पास तेरे लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए देवताओं पर भरोसा रख, दुनिया का हर मुल्क तेरा इस्तकबाल करने को तैयार खड़ा है। देवता निगेबान। ल्यूकस, कूच का हुक्म जारी करो, मां बदौलत हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। जिंदगी है एक रात प्यार, उसमें है चिराग, ये चिराग जितनी देर जल सके जलाए जा, ये चिराग जितनी देर जल सके जलाए जा, रोशनी लुटाए जा। जिंदगी है प्यार से प्यार में बिताए जा, हुस्न के हुजूर में अपना सर झुकाए जा। जिंदगी है प्यार से जिंदगी है एक बाग प्यार, उसमें है बहार, जिंदगी है एक बाग प्यार, उसमें है बहार, उसमें आपका खुमार डाल कर मिलाए जा, उसमें आपका खुमार डाल कर मिलाए जा, शौक से पिलाए जा। जिंदगी है प्यार से प्यार में बिताए जा, उसके हुजूर में अपना दिल लुटाए जा, अपना सर झुकाए जा। जिंदगी है प्यार से जिंदगी है एक जुआ, दूर से देखता है क्या, आगे बढ़कर अपनी जान दांव पर लगाए जा, आगे बढ़कर अपनी जान दांव पर लगाए जा, हंस के मात खाए जा। जिंदगी है प्यार से प्यार में बिताए जा, हुस्न के हुजूर में अपना दिल झुकाए जा, अपना सर झुकाए जा। जिंदगी है प्यार से जिंदगी जुनून है जुनून से निभाए जा, जिंदगी जुनून है जुनून से निभाए जा, तू अपने अज़्म को खुदाए जिंदगी बनाए जा, तू अपने अज़्म को खुदाए जिंदगी बनाए जा, आसमां पे छाए जा। जिंदगी है प्यार से प्यार में बिताए जा, उसके हुजूर में अपना दिल लुटाए जा, अपना सर झुकाए जा। जिंदगी है प्यार से
की जय हो। भारत माता की जय हो। कहो क्या समाचार है? सिकंदर ने सिंध पार कर लिया और अब उसकी सेना विशेषता से उस पार आ पहुंची है। कितनी सेना है? 1,00,000 से ज्यादा। और महाराज आम्भी ने उसे रोकने का यत्न नहीं किया? मैंने सुना है कि उन्होंने हार मानने का फैसला कर लिया है। यानी आग ने पानी का नाम सुनते ही अपने शोले बुझा दिए। सुना राजकुमार समर, वो शायद चाहते हैं कि सिकंदर की मदद लेकर हमारे राज पर हमला करें। जिसके पास अपनी शक्ति नहीं उसे भगवान भी शक्ति नहीं दे सकता। मगर महाराज जब घर के दरवाजे ही चोरों के साथ मिल गए तो घर का क्या बनेगा? अगर घर के अंदर का दरवाजा मजबूत है तो घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और घर के अंदर का दरवाजा मजबूत है पिताजी, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम जीतेंगे। सिकंदर ने आज तक जीवन के लोभी देखे हैं, इज्जत के लोभी नहीं देखे पिताजी। आप सलामत रहे, हमारा एक एक योद्धा 4-4 दुश्मनों का मुकाबला करेगा। अगर ये बात है तो हमें ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते। सेनापति जी आप जाइए और युद्ध की तैयारी कीजिए, और प्रधान जी आप अभिसार, सलकोट और कुलुट के राजों को निमंत्रण भेजिए। मगर वो आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, आखिर वो आदमी है, चलते फिरते पत्थर नहीं है। लिखिए हमारे देश पर एक बाहर के आदमी ने हमला किया है, अगर इस समय हमने मिलकर उसका मुकाबला नहीं किया तो हमारी संतान हमें कायर कहेगी और हमारे देश पर विदेशी राजा राज करेगा। हमारे देश पर विदेशी राजा राज नहीं करेगा। प्रार्थना, तू हमारी बहन है, तुझे हमारा ख्याल करना चाहिए। और आप भी राज हैं, आपको अपने देश का ख्याल करना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए हाथ कर रहे हैं, आपको जीवन प्यारा है और जिसे जीवन प्यारा होता है दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तो तुम ही बताओ हम क्या करें। महाराज गुरु के साथ मिलकर सिकंदर का मुकाबला कीजिए। ये नामुमकिन है। तो सिकंदर के साथ मिलकर पूरू की गर्दन काटिए और हिंदुस्तान को गुलाम बनाइए। आखिर तुझे पूरू का इतना ख्याल क्यों है? इसलिए कि वो वीर है, बहादुर है, अपने देश के लिए जान की बाजी लगा सकता है। मगर वो हमारा दुश्मन है और उससे हमारे राज को खतरा है। अगर हम आज सिकंदर के साथ मिलकर ये कांटा हमेशा के लिए निकाल डालें तो इसमें कौन सी बुराई है? घोड़े और शेर की लड़ाई हुई, मगर घोड़ा कमजोर था और शेर बलवान था। आखिर आदमी ने घोड़े से कहा, मैं तेरी मदद करूंगा। घोड़े की बादशाही खिल गई, बोला, बड़ी मेहरबानी। आदमी ने कहा, मुझे अपनी पीठ पर चढ़ा ले। घोड़े ने चढ़ा लिया। उस वक्त किसी ने कहा, मूर्ख, शेर तो हारता हारेगा मगर तू तो पहले ही हार गया। और देख लो घोड़ा आज तक आदमी का गुलाम है, शेर आज तक जंगल का राजा है। चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दुबे बनने से भी रहे। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि आप जो सौदा करना चाहते हैं सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। कितना ही महंगा क्यों ना पड़े लेकिन मैं सौदा अवश्य करूँगा। जब आप अपना देश और उसकी आजादी बेचने पर ही तुले हुए हैं तो आज से ना मेरे भाई है ना मैं आपकी बहन हूँ। नमस्कार। लेकिन जाओगी कहाँ? गुरु के पास? हाँ उसी के पास। भाई को छोड़कर भाई के दुश्मन के पास जाते हुए लाज ना आएगी तुम्हें? अगर भाई को भारत के दुश्मन सिकंदर के पास जाते हुए लाज नहीं आती तो बहन को भारत के दोस्त पूरू के पास जाते हुए लाज क्यों आए? तुम भारत को गुलाम बनाने की कोशिश करो, मैं भारत को साधी रखने की कोशिश करूंगी। शोर कहे का है? तक्षशिला के महाराज आम्भी ने इताअत कबूल कर ली। और उसके दूसरे दोस्तों ने? उन्होंने भी। माँ बदौलत को यह सुनकर खुशी हुई। देवताओं को कुर्बानियां दो। आलम पला, उन्होंने हुजूर की खिदमत में बेशुमार तोहफे भेजे हैं। इकहत्तर अलेक्जेंडर, इकहत्तर अलेक्जेंडर, इकहत्तर अलेक्जेंडर।
उनको भी हमारी तरफ से ईरान और यूनान के तोहफे भेजो और पैगाम दो निकाटोर चाहता है जल्द से जल्द आकर शरफ बारियाबी हासिल करे। तुम की तामीर हर्फ बहर्फ होगी। युमनीस, आज हमने हिंदुस्तान पर पहली फतेह हासिल की है, आज हम खुश हैं और हम अपनी ये खुशी अपने आदमियों में भी तकसीम करना चाहते हैं, इसलिए सब तोहफे तकसीम कर दो। लेकिन ख्याल रहे इस खुशी से हमारे खेमों की मेखें गाड़ने वाले मजदूर भी महरूम न रहने पाए। जितनी देर में तू बाजार से सब्जी खरीद कर लाता है उतनी देर में आदमी ईरान से होकर आता है। आज क्षमा कर दे, आज मुझे इस तरह में आए 20 रोज हो गए। तू 20 मरतबा देर करके आया, आज तुझे माफी नहीं मिलेगी। तो सजा दे ले। मैं तुझे सजा नहीं दूंगी, मैं तो तेरी माँ से कह दूंगी, वही तुझे सजा देगी। ओहो, आज माँ कुछ नहीं करेगी। क्यों, आज क्या है? आज राखी है। जरा कान लगा कर सुनो, सारी बस्ती के लोग बाग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल तमाशे कर रहे हैं। मैं भी वही जा रहा हूँ, जय राम जी की। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी चलना चाहती हूँ। कोई खफा तो नहीं होगा? जो तेरे से खफा होगा उससे हम खफा हो जाएंगे। Yeah.
सावन के दिन आए रे, सावन के दिन आए रे, मोहे दादी फिकरिया, मोहे दादी फिकरिया। सब जग मास मना रे, सब जग मास मना रे, मोहे दादी नजरिया, मोहे दादी नजरिया। गुजर गई जो बन की बतियां, गुजर गई जो बन की बतियां, बीत गए रंग सुख की रतियां, बीत गए रंग सुख की रतियां। कौन गई रुत लाए रे, कौन गई रुत लाए रे, मोहे लागी फिकरिया, मोहे लागी फिकरिया। गोसाल के दिन आए रे, सावन के दिन आए रे, मंगवादे सुनरिया, मंगवादे सुनरिया। हो घर घर साज सजाए रे, घर घर साज सजाए रे, मंगवादे सुनरिया। तेरी पोशाक कहे है तो परदेशन है, तेरा मुंह कहे है तो थकी हुई है, बैठ जा। दूध लाऊं पिएगी, मिठाई लाऊं खाएगी, सिर्फ पानी मंगा दीजिए, बड़ी करम फरमाई होगी, और यदि दूध मिले तो क्या छोटी कर में खाई होगी। क्या है आज हमारे देश में राखी का त्योहार है। आज स्त्रियां अपने भाई को राखी बांधे हैं और भाई उन्हें सोना चांदी देवे हैं। और जिसे भाई न हो वो जिस मर्द को राखी बांधे हैं वही उसका भाई बन जाए है। हाय रस्म हिंद, दिलकशी दौरत। दिलकशी नहीं, दिल खुशी कह, दिल खुशी। खामखा रो रो कर अपनी आंखें खराब किए जाए है। माना कि तेरी कोई बहन नहीं है, मुदा भगवान पर किसी का क्या जोर। हाँ जी, पर भगवान पर किसी का क्या जोर, जिसे चाहे दे जिसे चाहे न दे। देखो ना, वो तो हमारे महाराज के पास सबे कुछ है, मुदा बहन नहीं है। महाराज की कोई बहन नहीं है और हमारे राजकुमारों की भी कोई बहन नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई भाई नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम राजकुमारों को राखी बांधो, उन्हें बहन मिल जाएगी, तुम्हें भाई मिल जाएंगे। आज्ञा महाराज। तो जा जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो राजकुमार मुझ उठा ले। आज तक हम बेटों वाले थे, आज से बेटी वाले भी हो गए। बेटी के बिना भी घर की शोभा नहीं होती, वो घड़ी क्या जहाँ बेटी के पाजेब की झनकार न सुनाई दे, वो घड़ी क्या जहाँ बहन भाइयों में प्यार की लड़ाई न हुआ करे। महाराज की जय हो। ये परदेश स्त्री द्वार पर खड़ी है, महाराज के दर्शन की अभिलाषा लेकर आई है। आने दो। दिखाती क्यों नहीं, क्या लाई हो? बाबा सौ बार तो कहा है दिखाती हूँ दिखाती हूँ, मगर आप तो सुनते ही नहीं। वहां बैठिए। लो बैठ गए। बड़ी कृपा आपकी। अब बताओ क्या लाई हो? महाराज और महारानी ने कहा है जाकर राजकुमारों को राखी बांधो, राखी लाई हूँ। तो लो बांध दो। आप ही बांध लो, मैं क्यों बांधूं? तो मैं महाराज से क्या कहूंगा? अब ये मुझे क्या मालूम, जो मन में आए कह देना। कौन अमर? आओ भैया। अगर आज्ञा हो तो मैं बधाई दूं आपको। बधाई हमें या तुम्हें? दोनों को। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। तो मैं समझा दूं बड़े भैया, आपको एक अदद स्त्री मिलने की और हमें एक अदद भाभी मिलने की। दर?
अद्भुत करने से ये बात न छुपेगी बड़े भैया, आज मेरे मुंह पर है, कल सारे शहर के मुंह पर होगी। तो तुम उस देश की बेटी हो जहां महाराज दारा राज करते थे? वो हमारे मित्र थे, हमें अफसोस है कि हम उनकी सहायता नहीं कर सके। कहो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं शाही हिंद के लिए एक तोहफा लाई हूँ और ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि शाही हिंद इसे कबूल फरमाएंगे। हम तुम्हारा तोहफा बड़ी खुशी से स्वीकार करेंगे। अपना दस्ते मुबारक मुझे दीजिए। आप डरते हैं? नहीं, हम सोचते हैं। इसमें सोचने की क्या बात है? भाई बहन बनना आसान है, मगर इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। तो सोच लीजिए, लेकिन ये न भूलिएगा कि मैं ईरान से आई हूँ और ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि फुरुए हिंदी को अपना भाई बनाऊंगी। अच्छा तो बांधो। आज से आप मेरे भाई हैं। आज से तुम हमारी बहन हो। आज तुमने पहली बार हमें राखी बांधी है। कहो हम तुम्हें क्या दें? मैंने सोना चांदी लेने के लिए आपको भाई नहीं बनाया है। मादरे ईरान के पास मेरी जरूरत की हर चीज मौजूद है। बहन के पास दुनिया भर के खजाने हो, भाई को यही चाहिए कि राखी के दिन उसको कुछ न कुछ भेंट करे। प्रबंधकर्ता से कहो हमारी बहन को 1000 मोहर और एक महल दिला दे। एक महल? महाराज की बहन सराय और धर्मशाला में नहीं रह सकती। हमारी बहन क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ, आपने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। भाई का धर्म कहता है कि तू ये बात न पूछ, तू हिंदुस्तानी है। और बहन का फर्ज कहता है तू ये बात इसी वक्त बता दे, तू ईरानी है। तो बहन बोले भाई सुनेगा। मैं यहाँ इस गरज से आई हूँ कि सिकंदर को हर खतरे से बचाऊं। आपको अफसोस हुआ है? नहीं, हमें हैरानी हुई। अगर आप चाहें तो मैं इसे अभी उतार सकती हूँ। तुम इससे बांध कर हमारी बहन बन सकती हो, अब इससे उतार कर पराई नहीं बन सकती। महाराज की जय हो। केतु, वीर बहु, आम भी, यूनान, माँ बदौलत का ख्याल है, हर एक को अपना अपना हिस्सा मिल गया। आलम पनाह के करम से सचमुच कोई महरूम नहीं रहा। तुमने झूठ कहा। हम देख रहे हैं कि तुम दोनों को अभी तक कुछ नहीं मिला। तुम्हें इस झूठ की सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा यह है कि यह तलवार तुम्हें और यह तुम्हें। लेकिन आलम पनाह ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। हमने अपने लिए वो चीज रखी है जिसकी नजीर हिंदुस्तान भर के खजानों में नहीं। उम्मीद। देवताओं की कसम, हमारा जवान साल बादशाह सचमुच यूपीटर का बेटा है। हाँ, सिल्यूकस। पुरु ने क्या जवाब दिया है? खादिम ये बात आलम पनाह से कल अर्ज करना चाहता था। आज क्यों नहीं? आज फतेह का दिन है। निकाटोर के लिए हर एक दिन फतेह का दिन है। कहो उसने क्या कहा। खादिम की जान बख्शी हो। हमने तुम्हारी जान बख्शी की। पुरु ने जवाब दिया है
मैं तलवार लेकर मैदान जंग में आपसे मिलने आऊंगा। यमुनीस, यूनान के बेहतरीन तोहफे उस शख्स के लिए रखो। हम ऐसे आदमियों को पसंद करते हैं जो हमारी इताअत कबूल करते हैं, मगर हम ऐसे आदमियों की इज्जत करते हैं जो हमसे लड़ते हैं। हम ऐसे आदमी की इज्जत करते हैं जो लड़ना जानते हैं, मगर हम ऐसे आदमी की पूजा करते हैं जो मरना जानते हैं। इसमें शक नहीं कि आदमी का जीवन जीवन है, मगर दुनिया में कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि जब आदमी मर जाए तो अमर हो जाता है, जब जिंदा बच जाए तो मर जाता है। आज वीर परीक्षा का वो समयान पहुंचा है, यानी सिकंदर ने हमें कमजोर और छोटा समझकर हम पर हमला कर दिया। मगर वो बताता है कि इस हमले का कारण क्या है। वो कहता है मैं सारे संसार को अपने पांव में झुकाऊंगा। और जो देश उसके पांव में झुकने से इनकार कर दे। वो कहता है उस देश को जीता रहने का कोई अधिकार नहीं। वो एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ता है और हर उस देश को जो अपना सिर ऊंचा रखना चाहता है तबाह होकर बात कर देता है। कई देशों ने हार मान ली है, कई बर्बाद हो चुके, अब हमारी बारी है। और वो हमारे द्वार पर खड़ा पुकार पुकार कर पूछ रहा है कि बोलो तुम्हारा क्या विचार है। महाराज अभिसार, हमारा विचार यह है कि इज्जत और बहादुरी सिर्फ एक आदमी के लिए पैदा नहीं हुई, ले एक आदमी को यह अधिकार है कि सारे संसार को डराना और धमकाना शुरू कर दे। कुलुटराज, आपको क्या पसंद है, हार का जीवन या इज्जत की मौत? हमें जीत का जीवन पसंद है। सलकोटराज, आप? हम लड़ेंगे। और पचपतराज, आप? हम जीतेंगे। मगर दुश्मन को निर्बल समझना भूल होगी, वो सिकंदर है और सिकंदर ने जीतना सीखा है, हारना नहीं सीखा। भगवान की सीधी आंख चाहिए, हम जीतकर उसे हारना भी सिखा देंगे। हम उसे ऐसी शिक्षा देंगे कि दूसरी बार उसे हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना होगी। मगर पुरुराज, आपने अपना विचार प्रकट नहीं किया। हमारा विचार यह है कि अगर कोई आदमी संसार के सुख संतोष के लिए खतरा बनता है और दुनिया की हर छोटी बड़ी शक्ति को अपनी उंगली के इशारे पर नचाना चाहता है तो हर आदमी का धर्म है कि उसका मुकाबला करे। आपका विचार बिल्कुल ठीक है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो आओ इस समय हम आपस के झगड़े भूल जाएं, घर की लड़ाइयां भूल जाएं, एक दूसरे की शिकायतें भूल जाएं और सबसे पहले उस आदमी से निपट लें जो दुनिया का महाराज बनने के लिए हमारे घरों का सुख और दिलों की खुशियां बर्बाद करना चाहता है। अगर हमने मिलकर मुकाबला किया तो हमारे लिए जीवन और जीत है, अगर हमें फूट पड़ गई तो हमारे लिए मौत और मलामत है। परमात्मा हमारे देश को जीवन और जीत दे। कंठ में दरियाओं की माला, कंठ में दरियाओं की माला। इसका रूप अनुपम मनोहर, इसका रूप अनुपम मनोहर। सिर पर सुंदर ताज हिमाला, सिर पर सुंदर ताज हिमाला। Yeah.
दुआ मांगू अगर सिकंदर की फतह मांगती हूँ तो पुरु को शिकस्त होती है, अगर पुरु की फतह मांगती हूँ तो सिकंदर को शिकस्त होती है। पुरु मेरा भाई है, सिकंदर मेरे दिलो जान का मालिक है, इसलिए आए मुकद्दस आग दोनों की जिंदगी बचा, दोनों की इज्जत बचा, दोनों का नाम ऊंचा रख। गुजर गए और हमारी फौज का एक सिपाही भी दरिया के पार नहीं जा सका। लूकस, हम इसकी वजह जानना चाहते हैं। आलम पनाह का इकबाल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, बिलाशुबा देर हो गई है, लेकिन तुम इसे देर कहते हो। मां बदौलत इसे अपनी शिकस्त समझते हैं। हमारे रूबरू कोई दरिया इतनी देर नहीं ठहर सका। क्यों यमनीस, तुम क्या कहते हो? आलम पनाह, बरसात का मौसम है। अपनी कमजोरी को बरसात के पर्दे में छुपाने की कोशिश न करो। ये बरसात नहीं जो हमें रोक रही है, ये पुरु की फौज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। पृथ्वीपाल, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी फौज आगे बढ़ेगी। हम आपकी बहादुरी से खुश हुए, और जब मां बदौलत किसी से खुश होते हैं या किसी चीज को बड़ा या हसीन समझते हैं तो मां बदौलत उसे यूनानी नाम से पुकारते हैं। आज तक आप महाराज आम भी थे, आज से आपका नाम आमफिस है। मैं बादशाह के दिए हुए नाम की इज्जत करूंगा। क्यों महाराज आमफिस, क्या ये शख्स पुरु सचमुच बड़ा बहादुर है? मां बदौलत का इरादा है कि लड़ाई से पहले उसे उसके जाहो जलाल में देखें, लड़ाई के बाद वो बच सकता है
उसका जाह जलाल नहीं बच सकता। मगर निकाटोर? कोई अगर मगर नहीं। तुम्हारा निकाटोर देखना चाहता है कि वो कौन सा पत्थर और लोहे का बना हुआ आदमी है जो आंधी तूफान और जलजले के सामने झुकने से इनकार करता है। ऐसे लोहे के आदमी रोज रोज पैदा नहीं होते, सैकड़ों हजारों सालों के बाद पैदा होते हैं। यमुनीस, तैयारी करो, मां बदौलत ने दरिया के पार जाने का फैसला कर लिया। सिकंदर, आज तेरा निकाटोर हिंदुस्तान के सबसे बड़े बहादुर को देखने के लिए जा रहा है। काश तू यहाँ होती तो हम तुझे अपने साथ ले चलते ताकि तू भी उसे देख लेती। की नित तो से गरीब निवाज की जय, तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे तख्त की जय, तेरे ताज की जय। तोहे राजन ऐसी अतीस लगे त्रैलोक में हो, पुरु राज की जय, पुरु राज की जय, पुरु राज की जय। यूनानी राजदूत को उपस्थित करो। निकाटोर अलेक्जेंडर की तरफ से हम स्वागत करते हैं। आज्ञा महाराज। आज्ञा है। निकाटोर अलेक्जेंडर की तरफ से महाराज पुरु के नाम सेहत और सलामती। महाराज को मालूम हो
कि जुपिटर का बेटा अलेक्जेंडर दुनिया को फतेह करने के लिए निकला है, लेकिन उसकी नरम दिली नहीं चाहती कि खामखा बेगुनाहों का खून बहाया जाए। इसलिए वो चाहता है कि जिस तरह महाराज आम्भी और उसके यार दोस्तों ने यूनान के सामने सर झुकाकर दानाई का सबूत दिया है और अपने इलाके के अमनो अमान को बचा लिया है, उसी तरह अगर आप भी अलेक्जेंडर को फतेह तस्लीम कर लें तो आपकी हुकूमत, ताकत, मनसब, इख्तियार सब इसी तरह कायम रहेंगे। आपको सिर्फ 200 हाथी, 2000 हिंदुस्तानी तलवारें और सोने के 20,000 अंडे हर साल खराज के तौर पर देना होंगे। इसके एवज में अलेक्जेंडर इस बात का जिम्मा लेता है कि आपकी हुकूमत में कोई दस्तानदाजी न की जाएगी, बल्कि अगर कोई तीसरी ताकत आपके मुल्क पर हमला करेगी तो अलेक्जेंडर की बेपनाह फौजें आपकी मदद करेंगी। राजदूत, अपने बादशाह से जाकर कहो कि आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, अब वह हिंदुस्तान के तलवार बाद देखेगा। मेरे बादशाह ने महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये दोस्ती का हाथ नहीं, एक पाते का हाथ है। वो चाहता है कि हम एक गुलाम की तरह उसके सामने घुटने टेक कर उसके हाथ को चूमे और वो एक मालिक की तरह हमारी पीठ को थपथपाए। पूरू ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा। तो मैं जाकर क्या कहूं? कहो आपने हमारा अपमान किया है, हम इस अपमान का जवाब तलवार से देंगे। मैं फिर एक मर्तबा बड़े अदब से अर्ज करता हूं कि महाराज सोच लें इसका नतीजा क्या होगा। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो राजदूत, लेकिन हम तुम्हें क्षमा करते हैं। प्रधान जी, यूनानी राजदूत के हाथ महाराज सिकंदर के लिए हीरे और मोतियों से जड़ी हुई सोने की दो रोटियां भेज दीजिए। सोने की रोटियां? औरों को आटे, मक्की और जौ से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है, तुम्हारे सिकंदर को सोने, चांदी और जवाहरात से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है। अगर ऐसा न होता तो वो दुनिया के अमन अमान को इस तरह तबाह न करता फिरता। महाराज, आप मेरे सामने मेरे बादशाह की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे बादशाह के सामने होंगे तो तौहीन के ये लफ्ज आपके मुंह से न निकल सकेंगे। हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे बादशाह के सामने कह रहे हैं। ये आप क्या फरमा रहे हैं? हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राज दरबार में यूनान का राजदूत नहीं बल्कि खुद सिकंदर खड़ा है। आप इनकार कर सकते हैं? नहीं, हम इनकार नहीं करते। आपके पास देखने वाली आंख है, हम उस आंख की तारीफ करते हैं। हमारे पास काट करने वाली तलवार भी है। हम जब आपकी तलवार की काट देखेंगे हम उसकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको हमारी हिम्मत की तारीफ करना चाहिए जो हमें आपके दरबार में ले आई है। और अगर हम आपकी हिम्मत को बांध कर बंदी घर में डाल दें तो? दुनिया कहेगी पुरु के पास अकलमंद आदमी की आंख थी, दिलेर आदमी का दिल न था। और अगर हम आपके कत्ल कर देने की आज्ञा दें तो क्या आपको पछतावा न होगा कि आपने अपनी नादान हिम्मत का कहना मानकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की? हमें कत्ल करके आपको पछतावा होगा कि आपने दुनिया को दुनिया की जांबाजी से महरूम कर दिया। और आपने ये भी सोचा कि अगर आपने हमें कत्ल करा दिया तो दुनिया आपको क्या कहेगी? आप दुनिया के सुख शांति में आग लगा रहे हैं। आप अपने एक मन को खुश करने के लिए दुनिया की अनगिनत खुशियों का गला घोंट रहे हैं। आप जिधर जाते हैं आंधी और आग आपके साथ साथ जाती है। अगर दुनिया आपको कुछ न कहेगी तो वो हमें क्या कह सकती है? ये कि पुरु ने अपने दरबार में आए हुए सिकंदर को घेर कर मार डाला, ये उसकी बुजदिली और कमजोरी थी। अगर सिकंदर बिना किसी कारण के ईरान, मिस्र और गंधार के लाखों बेगुनाह बेटों को उनके घरों में जाकर कत्ल कर दे तो वो वीर, बहादुर और निकाटोर। और पूर्व अगर अपने देश की इज्जत और आजादी के लुटेरे को सजा दे तो वो कायर और डरपोक। न्याय की ये दलील यूनानी होठों से बोल सकती है,
बाकी दुनिया के होठों से नहीं बोल सकती। आखिर हमारे हिंदुस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या हम में से किसी ने आपके मुंह से रोटी, आपके जिस्म से कपड़ा या आपके मन से कौमी गैरत छीनने की कोशिश की है? क्या हम में से किसी ने आपको अपने मन और मर्जी के खिलाफ चलने पर मजबूर किया है? अगर नहीं तो आप किस न्याय से हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने का यत्न कर रहे हैं? जो बादशाह अपनी सल्तनत को वसी किए बगैर मर जाता है वो बादशाह नहीं है। और जो बादशाह अपने हाथ में आए हुए दुश्मन को छोड़ दे वो क्या है? हम सिर्फ ये जानते हैं कि एक आदमी पर इतने आदमियों का हमला करना एक ऐसी बेइंसाफी है जिसको दुनिया का कोई मुल्क जायज करार नहीं दे सकता, यहाँ तक कि आपका हिंदुस्तान भी नहीं। और क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो छोटे छोटे कमजोर देशों पर सिकंदर के हमलों को जायज करार दे सकता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो ये कहे कि सिकंदर के 1,20,000 सिपाहियों के साथ पूरों के सिर्फ 30,000 सिपाहियों पर हमला करना बहादुरी और दिलेरी है? क्या आप अपने 90,000 सिपाहियों से कह देंगे कि तुम एक तरफ हो जाओ, 30,000 सिपाहियों के साथ सिर्फ 30,000 सिपाही लड़ेंगे? क्या दारा के साथ लड़ते वक्त आपने देख लिया था कि आपकी फौज दारा की फौज से कहीं ज्यादा तो नहीं है? अगर नहीं तो इस समय शिकायत क्यों? आपका दांव चल गया, आपके दुश्मन को मार दिया। आपके दुश्मन का दांव चल गया, उसने आपको मार दिया। तो हुक्म दीजिए, आपके दरबार में हर एक के पास तलवार है। हम आपके मन की बात अभी पूरी कर देते और आपकी बोटी बोटी उड़ाकर चील और कौवों को खिला देते, मगर अफसोस कि आप राजदूत के भेष में हैं। सेनापति जी, महाराज सिकंदर को राजसेना की रक्षा में दरिया के उस पार पहुंचा दीजिए। महाराज, मेरा अपराध क्षमा हो। राजनीति कहती है हाथ आए हुए दुश्मन को छोड़ना और अपनी हार खरीदना एक ही चीज के दो नाम हैं। मगर भारत की राजनीति कहती है कि जो शख्स राजदूत का भेष बनाकर आए उसके साथ राजदूत का ही सुलूक होना चाहिए। जाइए राजन, आप स्वाधीन हैं। अब हमारी आपकी मुलाकात युद्ध भूमि में होगी और आशा है कि उस समय आप राजदूत न होंगे और अकेले भी न होंगे। महाराज गुरु, हमने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, लेकिन आप बहादुर हैं, हम आपको सलाम करते हैं। नमस्ते यूनानाधीश, नमस्ते। रात कहानी सुरत की हर बात सुहानी, हर दिन की हर रात कहानी। इस बाके हरियाले जुग में, इस बाके हरियाले जुग में, जग हरियाली छाईया, जग हरियाली छाईया। आज खिलो खिलो आई आज।
डर डर जंगल बन महके, देख देख रसिया मन चहके, डर डर जंगल बन महके, देख देख रसिया मन चहके, सबके सिर पर चूम रही है, सबके सिर पर चूम रही है, जौबन की अंगड़ाइया, जौबन की अंगड़ाइया, खिलो 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 मत वारी कलियों, खिलने की रुत आई आज, खिलने की रुत आई आज, प्रार्थना। छोटे महाराज आप इस समय यहाँ कैसे? बैठो प्रार्थना। हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, मगर अब सोच रहे हैं कि कहें या न कहें। तो पहले सोच लीजिए। बात यह है प्रार्थना कि हम आजकल सदा एक सपना देखा करते हैं। जी। और वो सपना बड़ा मनोहर और मीठा है। जी। हमने वो सपना महाराज को भी सुना दिया। जी। और उन्होंने कहा जिसके सपने देखते हो जाकर उसी को सुनाओ। अच्छा, तुम समझ गई वो सपना क्या है? जी। अब बताओ हम क्या समझें? कुछ भी नहीं। प्रार्थना, तुम्हें हमारी बात का जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे। हम कहते हैं तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ बैठ जाइए। लो बैठ गए। अब आंखें बंद कर लीजिए। लो बंद कर ली। और जब तक मैं ना कहूँ बंद रखिए। क्या बात है समर? कुछ नहीं माता जी। माता जी को सब कुछ मालूम है। तुम चुप रहो जी, तुम छोटे हो। भगवान, अगले जन्म में मुझे छोटा न बनाना, जो उठता है वही दबा लेता है। उसने क्या कहा, हाँ या नहीं? पगला, माँ से शर्म। माता जी, होठों से हंसी निकल रही है इसलिए आप ही समझ जाइए, पूछने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब है हाँ। मैंने तो महाराज से पहले ही कहा था, लड़की चांद है, बेटा सूरज है, जोड़ी मिल जाएगी। तो बेटा आप प्रार्थना से ज्यादा न मिला करो, हमारे देश की यही रीत है। कहिए बहुत अच्छा माता जी। चौकस रहियो, चार रहे चारों
जसराम जाने हो सुखमुनिया फुलवारन का चोर किसे कहे है। भाई हमें का खबर, हमें तो आम खाने से मतबल है, पेड़ गिनने से का मतबल। अबे गोबर गणेश, इन काली मूछों से का पूछे है, इस सफेद दाढ़ी से पूछ, वो उत्तर दूं कि तेरे मन का द्वारा खुल जाए। काका बुढ़िया गया है, मुदा बाल की खाल निकाले। कहो फुलवारन का चोर कौन है? अगर ये गीत सुखमनिया गाए तो फुलवारन का चोर जसराम, और अगर हमरी जुड़वा गाए तो इशारा सीधा हमरी तरफ। दम झूठ, दम सच है, सच है, झूठ है, बिल्कुल सच है। अरे भैया महाभारत काहे करत हो, सुखमनिया से पूछ लियो। फुलवारी हिंदुस्तान है, यवन राजा सिकंदर चोर है, वो हमारे मान मर्यादा चुराने आया है, मुद्दा हमारे लोग बाग आराम की नींद सोए रहे हैं। अपने राम समझे थे, प्रेम का गीत गाए है। देश के संकट समय जो प्रेम का गीत गाया है वो भी पाप करे है, जो प्रेम का गीत सुने है वो भी पाप करे है। अरे वाहरी सुखमनिया, तूने तो लाखपन की बात कह दी। घर तो जो, घर का आराम तो जो, और देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। जिंदा रहे बिटिया, जिंदा रहे। प्रतिज्ञा करो, सौगंध खाओ कि दुश्मन को जान दोगे, देश की इज्जत न दोगे। तू जरा चिंता न कर, देश की खातिर हमारी जान भी हाजिर है। बातें तो बहुत करे हो, मुद्दा कुछ करके दिखा तो जाने। बहू अभी तूफान दूर है, जरा नजदीक आने दे, फिर देखना हमरे बाजू क्या क्या करत है। नहीं हमारे दोस्त, विपक्ष किसी ने नहीं, आसमान से लसानी देवताओं का इशारा हो, माँ बतावत के आराम और इंतजार करने का वक्त गुजर गया। आज हम भैया अबूर करेंगे। ये मसले यहाँ सारी रात किसी तरह जलती रहे, ये सिपाही यहाँ सारी रात किसी तरह निगरानी करते रहे, ताकि दुश्मन की परवाह रहे, और मां बदावत अपनी आधी फौज के साथ यहाँ से 20 मील ऊपर जाकर दरिया पार कर ले।
सुल्तान में सिख माई के नाम की हिम्मत है तो दरिया में पाव भी रख जाए। हिंदुस्तान सिपाही आगे रहेंगे। हिंदुस्तान सिपाही हम पर विश्वास करो, ये महाराज अभिसार की सेना है। अमर, तुम 2000 योद्धा और 100 औरत लेकर जाओ। अगर वो अभिसार की सेना हो उनका स्वागत करो, अगर ये सिकंदर की सेना हो उनका मुकाबला करो। हमें तुम्हारे बुजबल और बुद्धि दोनों पर अभिमान है। सेना
ये भी शाह के आदमी नहीं हो सकते, सिकंदर के सिपाही हैं। उन्हें भागने दो, हम पीछा करके उनका एक एक आदमी तबाह कर देंगे। वो अधिक है मगर हम बहादुर हैं, हम लड़ेंगे। जतन करो और मरने से पहले पहले दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा आदमी मार दो। हम खुद नसीब हैं, वो खुद अपने भाव से चलकर हमारे तीरों के सामने आ रहे हैं। जब आए उन्हें रास्ता दो, जब वो फंसा उन्हें घेर लो। खबरदार, एक आदमी भी जिंदा न बचे। ये दरिया के इस पार हमारी पहली लड़ाई है। कि अमर मर गया, वो मरकर अमर हो गया और हम खुश हैं कि वो हमारा बेटा था। उसने हमारे अभिमान की लाज रखी, उसने अपनी मां के दूध की लाज रखी, उसने अपने देश की बहादुरी की लाज रखी। देख रहे हैं कि तुम सबकी आंखों में अफसोस के आंसू झलक रहे हैं, मगर अपने राजकुमार का हंसता हुआ चेहरा याद करो और हंस से मुस्कुराते युद्ध भूमि में जाओ। भगवान तुम्हें हंस से मुस्कुराते वापस लाएगा। जानते हैं कि तुम उसकी मां हो, मगर रोने से क्या फायदा, रोने से हिम्मत टूटती है और इस वक्त हमें हिम्मत की जरूरत है। प्रतिज्ञा करो, नहीं रोगी? अच्छा तो नहीं रोगी, नहीं रोगी, मगर फिर भी ये हमारा दुश्मन था, इसने हमारे कई योद्धा मारे हैं, मगर ये बहादुर था। अगर ये चाहता तो भागने की कोशिश कर सकता था, और अगर कोशिश करता तो शायद बच भी जाता, लेकिन इसने बहादुरी के जोश में अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर दी। हम इसे सलाम करते हैं। हमें बधाई दो, आज हम अपनी शेरनी माँ का दूध सफल करेंगे। मेरे बिरादरे महोदय, मेरा दिल डर रहा, जाने आज क्या होगा, जाने आज कौन जीतेगा कौन हारेगा। हार जीत जीवन के खेल हैं, उनका ज्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म सिर्फ यह है कि अपने आत्मा और शरीर की सारी शक्तियों से लड़ें और नतीजा भगवान पर छोड़ दें। खुदा आपकी हिफाजत करे, परमात्मा हमारे देश की रक्षा करे। प्रार्थना, भैया की सलामती मांग, इनकी सलामती मुल्क की सलामती से बड़ी है।
ये होंगे गिरे हुए मुल्क को भी उठा लेंगे, ये न होंगे उठा हुआ मुल्क भी गिर जाएगा। देश के सामने राजा कोई चीज नहीं, देश बचा रहेगा राजे बहुत मिल जाएंगे, देश हार जाएगा राजे गुलाम बन जाएंगे। हमने प्रार्थना की बात पसंद की, हमारे प्यार ने हमारी बहन को कायर बना दिया है और हम जानते हैं इस कायरता का कारण क्या है। हमारी बहन को सिकंदर का भी ख्याल है। प्रार्थना, हम लड़ाई में जा रहे हैं और लड़ाई में सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि हम शाम को जीत के डंके बजाते हुए घर वापस आएं। हो सकता है आज रात का चांद हमें न देखे, हमारी लाश को देखे। इसलिए अगर कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो, हम उसे पूरी करेंगे। मेरी यही ख्वाहिश है कि देश के दुश्मनों को बर्बाद कीजिए। हम तुम्हारी ख्वाहिश की इज्जत करेंगे। अब हमारी बहन क्या चाहती है? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि जिस मकसद को लेकर मैं ईरान से यहाँ तक आई हूँ वो मकसद पूरा हो। यानी सिकंदर जीत जाए? नहीं, हार और जीत से मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं तो सिर्फ यही मांगती हूँ कि सिकंदर जिंदा रहे। हम तुम्हें वचन देते हैं कि सिकंदर हमारे हाथ से नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? जिसने बिना अपराध हम पर हमला किया है, जिसने हमारे अमर को कत्ल किया है, जिसने हमारे एक रात में 2000 योद्धा मार डाले हैं, जो हमें हराकर अपना दास बनाना चाहता है, जिसकी आंख हमारी आन पर, जिसके दांत हमारी दौलत पर है, जो अमन का डाकू, शांति का लुटेरा और बेगुनाहों की हत्या करने वाला हत्यारा है, वो आपके हाथ से क्यों नहीं मरेगा? कारण जानना चाहते हो? देखो, ये वो राखी है जो रुखसाना ने पूरों को बांधी है, मगर ध्यान की निगाहों से देखो तो ये वो राखी है जो ईरान ने हिंदुस्तान को बांधी है। हमें अफसोस है कि हिंदुस्तान ईरान की मदद नहीं कर सका, मगर पूर्व ईरान की एक बेटी की मदद जरूर करेगा। तो इसका यह मतलब है कि आप जानबूझकर अपने देश को हरा देंगे? जो शख्स जानबूझकर अपने देश को हरा दे वो आदमी नहीं जानवर है, बल्कि उसे जानवर कहना जानवरों का अपमान करना है। प्रार्थना चाहती है कि हम अपने देश के लिए लड़ें। हमने उसे विश्वास दिलाया है कि देश के लिए हम अपने लहू का आखिरी कतरा भी कुर्बान कर देंगे। रुखसाना चाहती है कि सिकंदर जिंदा रहे। हमने उसे भी विश्वास दिलाया है कि सिकंदर हमारे हाथ से नहीं मरेगा। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती, क्योंकि जो कुछ मैं चाहती हूँ उसे दुनिया की कोई शक्ति पूरा नहीं कर सकती। सरिता रानी, होश करो। भगवान अब आपको जीवन और जीत। समा गया बापू, अब लड़ाई का समा आया। आज्ञा दो। मैंने आज्ञा दी, जा देश की सेवा कर, मैं अपनी सेवा आप कर लूंगा। माँ आशीष दे। भगवान करे तुझे तीर यहाँ लगे, यहाँ ना लगे।
जंग के शाहसवारों, आज एक मर्तबा फिर कुदरत तुम्हारा इम्तिहान करना चाहती है। दिलों में जोश, दिमागों में जुनून, होठों पर आसमानी देवताओं का नाम लेकर आगे बढ़ो और दुनिया की तारीख के सफों पर ना मिटने वाले हर्फों में लिख दो कि दुनिया की अजमत और बुजुर्गी तुम्हारे कदमों पर झुकने के लिए पैदा हुई है। आसमान पर मुकद्दस साफ जुपिटर तुम्हारे साथ है, जमीन पर जुपिटर से बेहतर अलेक्जेंडर तुम्हारे साथ है। निकाल महाराजा पुरु की, महाराजा पुरु की, महाराजा पुरु की। आग और लोहे के बने हुए बहादुरों, तुम उन वीरों की संतान हो जो लड़ना जानते थे मगर मैदान से भागना नहीं जानते थे। तुम उस देश के रहने वाले हो जिसने लाखों बेटे कटवाए हैं मगर अपनी आन और इज्जत का झंडा कभी जमीन पर नीचे नहीं गिरने दिया। और आज एक अहंकार का अंधा विदेशी आकर तुमसे कहता है कि तुम इस झंडे को नीचे झुका दो वरना मैं तुम्हें तबाहों पर बात कर दूंगा। अगर तुम अपनी और अपने देश की इज्जत बचाना चाहते हो, अगर तुम अपने पुरखाओं का झंडा ऊंचा रखना चाहते हो तो अपने आत्मा और शरीर की सारी शक्तियां लेकर आगे बढ़ो। आप मरकर भी दुश्मन का मुंह मोड़ दो और दुनिया को दिखा दो कि तुम सिर्फ अपने देश के लिए जीना ही नहीं जानते मरना भी जानते हो।
आसमान के लाफानी देवताओं की मदा हो, जिन्होंने हमारी फिर मदद की और हम एक मरतबा फिर आजमाइश के आग से खड़ा सोना बनकर निकले। माँ बदौलत अपने तमाम सिपाहियों की जाबाजी और शजात की कदर करते हैं, मगर उनसे भी ज्यादा माँ बदौलत उन बहादुरों की तारीफ करते हैं जो आज की फतह और नुसरत में शरीक नहीं, मगर उनकी रूहें मौत के तारीख पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देख रही हैं और देख देख कर खुश हो रही हैं। यूनान जिंदाबाद, यूनानी सिपाही जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। अलेक्जेंडर निकाटो, आलम पना महाराजा पोरू। सिकंदर अपने बहादुर दुश्मन का इस्तकबाल करता है। क्यों महाराज, आपने देखा अलेक्जेंडर की ताकत कितनी बड़ी है जिसने आपको एक दिन में फतह कर लिया। हमें आपकी ताकत ने फतह नहीं किया, आपके धोखे ने फतह किया है। अगर आपकी ताकत ही इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में दरिया को पार क्यों नहीं किया। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। राजदूत का भेस बना कर आए हुए बादशाह को मारना जायज है या नाजायज? ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया था और ये आपकी गलती थी। हम ऐसी गलतियां 1001 बार करके कायद हो जाएं और उसके बाद हमें फिर मौका मिले तो हम फिर ऐसी गलती करने से बाज ना आएंगे। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को शिकस्त भी दी है, लेकिन जुपिटर की कसम हमने आज तक आप जैसा जाबाज और बहादुर बादशाह नहीं देखा। हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजों को जीता भी है, मगर तीर और तलवार की सौगंध आप जैसा ओछा और शेखी खुर आज तक नहीं देखा। अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे और दुनिया के फाते के सामने खड़े हो। तुम कौन हो जो ये भी नहीं जानते कि जब दो राजे बात कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है। अगर तुम हमारे दरबार में होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते और कहते जाओ पहले राज दरबार में बोलने का तरीका सीख कराओ। ल्यूकस, तुमने गलती की। आलम पनाह, मैं माफी का खासदार। हम आपकी बेखौफी से खुश हुए। फरमाइए आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हमें जो कुछ कहना था वो सब हमने अपने पहले जवाब में कह दिया। क्यों मनीष, महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरी हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहां के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते, जो अपनी किस्मत के सामने भी सर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से गुरेज नहीं करते। महाराज पुरु, हम तस्लीम करते हैं कि आप बहादुर हैं और ऐसे बहादुर कि दुनिया की कोई ताकत आपको सर नहीं झुका सकती। हमने आपको आजाद किया, आपके सिपाहियों को आजाद किया, आपके मुल्क को आजाद किया और इतना ही नहीं, हाइडस्पस के आसपास का जितना इलाका हमने फतह किया है वो भी आपके हवाले किया। ल्यूकस, फौज हटा लो। मगर क्या हम आपके मातहत होंगे? हिंदुस्तान में आप हमारे सबसे बड़े दोस्त होंगे और यूनान की तारीख में आपका नाम पोरस होगा। हम ये दूसरी मरतबा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। गुरु दोस्ती के हाथ को मोहब्बत के हाथ से पकड़ता। अलेक्जेंडर महाराजा पोरस जिंदाबाद। महाराज आम्फिस, आपने हमारे दोस्त की जय का नारा नहीं लगाया,
हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन रहें। आप भी कहिए महाराजा पोरस जिंदाबाद। महाराजा पोरस जिंदाबाद। रतिया पर बल बल जाऊं, इस रतिया पर बल बल जाऊं, इस रतिया पर प्राण चढ़ाऊं, इस रतिया पर प्राण चढ़ाऊं। ऐसे हर रोज आती है सब रतिया, ऐसे हर रोज आज आई, आज आई सजनवा जबरदिया, आज आई सजनवा जबरदिया, आज आई सजनवा जबरदिया। चांदी की रतिया में जलत हीरे, चांदी की रतिया में जलत हीरे, नीलम की आज आई सजनवा जबरदिया, आज आई सजनवा जबरदिया, आज आई सजनवा जबरदिया। चांद की रतिया में गीत भुगत है, चांद की रतिया में गीत भुगत है, सोने की बदिया में सपने फलत है, सोने के बदिया में सपने फलत है। कैसे सुंदर सलोने सुधा भरतिया, कैसे सुंदर सलोने सुधा भरतिया, आज आई कहाँ आज आई सजनवा जबरदिया, आज आई सजनवा जबरदिया, आज आई सजनवा। तेरा पुत्र देश खातर लड़कर आया है, चल आरती कर। ये तुम मन ही मन में का बड़बड़ाती हो? पर मैं सबसे अर्ज करे हूँ कि अगले जन्म में भी हमें तुम ही जैसा सूरमा पति मिले। जा भक्तनी, हमने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करी, अगले जन्म में भी तुम्हारा ब्याह हमरे ही संग होएगा। अरे रहने भी दे भली मानस, बुढ़ों की आरती कौन करे है? मरद बूढ़ा हो जाए फिर भी स्त्री का सुहाग ही रहे। मैं तो उसे ऊंचा ऊंचा बोले हूँ, मुदा लड़ाई थोड़ा करे हूँ। भैयन, आज हमरे देश और राजा की मर्यादा बची, एक कारण खुशियाँ मनाओ, घर घर घी के दिए जलाओ। अगर आज सचमुच खुशी की रात होती तो राजमहल जगमग जगमग करते नजर आते, मुदा मैं देख आया हूँ कि राजमहल के बाहर भीतर एकदम अंधेरा। और इस अंधेरे का बायस क्या है? हारे हुए सिपाही के लिए अंधेरा ही सबसे बड़ा इनाम है। मगर आप हारे नहीं हैं, ये तो आपकी जीत है। तुम कहती हो ये जीत है, हम कहते हैं ये हमारी मौत है।
बल्कि अगर मौत हो जाती तो अच्छा होता। दुनिया ये तो न कहती कि पूरू हार गया। जो ये कहता है पूरू हार गया वो अंधा है। तो इस लिहाज से सारा संसार अंधा है, बल्कि इस लिहाज से आने वाली नस्लें भी अंधी होंगी, क्योंकि वो भी इतिहास पढ़कर यही कहेंगी कि पूरू हार गया। इतिहास ये बताता है कि बाहर रोशनी में क्या हुआ, इतिहास ये नहीं बताता कि घर के अंदर अंधेरे में क्या हुआ। हमारे सिवा और कौन जानता है कि तुमने पूरू से कोई प्रतिज्ञा कराई थी, और जब वो सिकंदर को कत्ल कर सकता था उस वक्त उस प्रतिज्ञा ने पूरू के हाथ पकड़ लिए थे। तारीख के वर्क सिर्फ यही बताएंगे कि सिकंदर जीत गया और उसने पूरू को माफ कर दिया। दुरुस्त है, ये मेरा ही कसूर है। हम भी कैसे मूर्ख थे जो बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठे। कोई और प्रतिज्ञा हो रही है क्या? तुम यहाँ से चली जाओ, हम नहीं चाहते कि हमारा काला मुंह कोई देखे। और रुखसाना बेशक देखती रहे। रुखसाना देख सकती है, क्योंकि उसी ने हमारे मुंह पर यह स्याही मली है। मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैंने दर हकीकत आपके साथ जुल्म किया है। अभी क्या किया है? अभी तक पूरू हारा है, चार दिन के बाद बाकी हिंदुस्तान भी हारेगा। सिकंदर की फौजें आगे बढ़ेंगी, हिंदुस्तान का मन बर्बाद होगा और हिंदुस्तान की आजादी जमीन पर गिरकर दम तोड़ेगी। हिंदुस्तान की आजादी दम नहीं तोड़ेगी, सिकंदर की बहादुरी दम तोड़ेगी। व्यास के पार हमारे जैसे मूर्ख आदमी नहीं है, वो यूनानी फौज के दांत खट्टे कर देंगे, और जब नहीं सिकंदर को वहाँ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। मगर मैंने तो सुना है सिकंदर की फौज ने आपकी बहादुरी देखकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। सिपाहियों ने इनकार किया है, सिकंदर ने तो इनकार नहीं किया। सिकंदर के मुंह से जोश के चार लफ्ज निकलेंगे, सिपाहियों के पांव में आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी। सिकंदर उसे अपनी जीत समझेगा, मगर ये जीत ही उसकी हार साबित हो जाएगी। ये पगली कहती है वो ब्यास के पार नहीं जाएगा, मगर वो तो गंगा के भी पार चला जाएगा। कौन गंगा के पार चला जाएगा? मेरा अमर और कौन? आप उसे इतनी जल्दी भूल गए? आप बाप हैं, आप भूल सकते हैं, मगर मैं माँ, मैं नहीं भूल सकती। ये दुरुस्त है कि हम सिपाही हैं, और ये भी दुरुस्त है कि सिपाही अपने सुल्तान का हुक्म मानने से इनकार नहीं करते, मगर सिपाहियों की भी आंखें होती हैं और वो आंखें देखती हैं, और जो कुछ देखती हैं उसकी रोशनी में अपने लिए मुस्तकबिल के रास्ते तजवीज करती हैं। आदमी को जानबूझ के अंधा बनना नहीं चाहिए। हम अंधे नहीं है, हम अंधे नहीं है, मगर हम अंधे बन रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि जंग में पोरस ने हमारी आधी फौज को जान से मार दिया है, आधी की हिम्मत तोड़ दी है? अपने दिलों को टटोलो, वहाँ पोरस का सब बैठा पाओगे। और पोरस से सिर्फ हम ही नहीं डरते, हमारा सुल्तान भी डरता है। अगर न डरता तो उससे सुलह न करता। भाई ये तो दुरुस्त है, ये पोरस आदमी नहीं देव है। याद है उस दिन उसने दरबार में क्या क्या बातें कही थी? निकाह तो हंसकर पी गया। हमारे हाकिम कहते हैं कि हमने 40,000 सिपाही ईरान और यूनान भेज दिए हैं, मगर मैं कहता हूँ कि ये यूनानी तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। ये 40,000 आदमी पोरस के सिपाहियों ने मारे हैं, और हमारे हाकिमों ने यह सदाकत हमसे छुपाई है। बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जिस वक्त दरबार हो रहा था उस वक्त हमारे सिपाहियों की लाशें हिंदुओं की लाशों के साथ जलाई जा रही थी, और अब हमसे कहा जाता है कि 40,000 सिपाहियों को घर जाने की छुट्टी दे दी गई है। इसके ये माने है कल जब हम मारे जाएंगे तो हमारे नामों की फहरिस्त लटका कर उसके ऊपर भी लिख दिया जाएगा इन्हें छुट्टी दे दी गई है। ये सब तो दुरुस्त है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम हकीर और जलील हैं। कौन कहता है तुम हकीर और जलील हो? सिकंदर की हर एक लड़ाई तुमने जीती है। कौन कहता है तुम्हारी कोई हस्ती नहीं? सिकंदर अपनी सारी ताकत तुमसे लेता है। कौन कहता है तुम्हारी आवाज बेतासीर है? सिकंदर तुम्हारे बगैर एक कदम नहीं चल सकता। उससे कह दो अब हम तीर और तलवार की जिंदगी से तंग आ गए हैं। कह दो अब हमारे दिल अमन अमान मांगते हैं। कह दो अब हमारे घर हमें वापस बुला रहे हैं। कह दो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे नहीं बढ़ेंगे।
तो आराम की घड़ियां खत्म हो गई, अब हमें फिर आगे बढ़ना है। महाराजा फिर फरमाइए, आप हमारी क्या मदद करेंगे? हम और हमारी सेना जी जान से आपके साथ है। हम खुश हुए, हमें आपसे ऐसी उम्मीद थी। और महाराज पोरस हमारे दोस्त आप? हमें अफसोस है कि हमारा जवाब आपको निराश करने वाला होगा। क्या महाराज हमारी मदद नहीं करेंगे? महाराज हमारे दोस्त हैं। हम आपके दोस्त बाद में हैं, पहले हम अपने देश के बेटे हैं। गो आपके जवाब ने हमें मायूस किया है, मगर हम आपकी हुब्बुल वतनी की कदर करते हैं। सिल्यूकस, हम आपके जीवन के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और हमारी फतह के लिए नहीं? नहीं, क्योंकि आपकी फतह हमारे देश की हार है, और जो आदमी अपने देश की हार के लिए मन से प्रार्थना और तन से सहायता करता है वो आदमी नहीं है, जानवर है, बल्कि जानवर से भी बुरा, क्योंकि जानवर भी अपनी हार की ख्वाहिश नहीं करता। पोरू, तुमने हमारा अपमान किया है, तलवार निकालो। हम खुश हुए कि हमारे पड़ोसी की रगों का लहू बिल्कुल पानी नहीं हो गया है। महाराज, आप हमारे दोस्त हैं, हम नहीं चाहते कि आपकी ताकत एक दूसरे से लड़ने में जाया हो। महाराज आम्फिस, हम आपसे एक चीज मांगते हैं, और आप जानते हैं कि हम ना सुनना नहीं जानते, और हम आपके सामने ना कहना नहीं जानते। हम चाहते हैं कि आप महाराज पोरस के बेटे समरपाल के साथ अपनी बहन प्रार्थना की शादी कर दें। तो आपने मंजूर किया? आज महाराज सिकंदर की बात कौन टाल सकता है। तो तलवार म्यान में डालिए, अब आप एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। सिल्यूकस, सिपाहियों से कहो तैयार हो जाएं, अब हम आगे बढ़ेंगे। और बंदगी के माने तब्दील हो गए हैं कि तुम लोगों के मुंह से जिंदाबाद का नारा भी नहीं निकलता? माँ बदौलत के जंगी रफीकों, माँ बदौलत के शाही कानों ने तुम्हारी जुबानों से हमेशा वफादारी के कौल करार सुने हैं, लेकिन आज माँ बदौलत को तुम्हारी आंखों में गुस्ताखियां नजर आती हैं, और हमारी शाही आंखों को ये गुस्ताखियां देखने की आदत नहीं। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? माँ बदौलत के सवाल का जवाब दो, तुम लोग क्या चाहते हो? हम लोग कुछ नहीं चाहते आलम पना। अगर तुम लोग कुछ नहीं चाहते तो यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का क्या मतलब है? हम घर जाना चाहते हैं। कहो, मैं घर जाना चाहता हूँ। हम घर जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम घर जाना चाहते हैं। हमें आज पहली बार मालूम हुआ कि हमारी फौज में कमजोर दिल और सख्त हिम्मत आदमी भी है, जो इतना भी नहीं जानते कि अपने वतन से दूर उनका अपने शहर और शहरियार की तरफ क्या फर्ज है। हम अपना फर्ज जानते हैं और हमने अपना फर्ज अदा किया है, मगर अब हमें वतन से निकले हुए 14 साल गुजर गए हैं। हमारे घर वाले हर सुबह हमारे आने की उम्मीद लेकर जागते हैं और हर रात मायूस होकर सो जाते हैं। आखिर हमारा उनकी तरफ भी तो कोई फर्ज है, इसलिए हम निहायत अदब के साथ अर्ज करते हैं कि अब हमें घर जाने की इजाज़त दी जाए। अपने घर वालों को ये बताने के लिए कि तुम नाकाम वापस आए हो? हम नाकाम नहीं हैं, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हमने लड़ाइयाँ जीती हैं। ये किसने कहा कि हमने लड़ाइयाँ जीती हैं? ऐसे ही जाबाज और जानिसार हैं जिन पर माँ बदौलत की कामयाबी का एक एक सानहा, माँ बदौलत की जाह जलाल की एक एक फतह फख्र करती है, और ऐसे ही बहादुर हैं जिनके नाम यूनान की तारीख में चांद और सूरज की तरह जगमगाएंगे। हमारे रफीकों, जरा अपनी याददाश्त के वरक उलट कर देखो,
जब तुम यूनान से निकले थे तो तुम एक नाला थे, आज तुम एक लहरें मारता हुआ दरिया हो, और अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते गए तो कल तुम एक समुंदर बन जाओगे। तुमने ईरान फतह किया, तुमने तुरान फतह किया, तुमने मिस्र फतह किया, तुमने बाबुल ना कंधार फतह किया, और अब जब तुम उस सरजमीन के मालिक बनने वाले हो जो चांदी या सोना उगलती है, जिसके समुद्रों में मोती है, जिसके जंगलों में संदल है, जिसकी मिट्टी में जाफरान है, जब दुनिया की वो शान शौकत तुम्हारे पांव चूमने के लिए आगे दौड़ती हुई आ रही है, जिसे चांद और सूरज भी लालच की निगाहों से देखते हैं, तो तुम्हारे दिलों में घर की मोहब्बत जाग उठती है। ये घर की मोहब्बत बुजदिली का दूसरा नाम है। इस बुजदिली को दूर हटाओ और अपनी बिखरी हुई बहादुरी को फिर से जमा करो और कहो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम आगे बढ़कर क्या करेंगे जब हमें पड़ोस से लड़कर यह भी मालूम हो गया है कि इसके आगे और भी जबरदस्त दुश्मन बैठे हैं। क्या हम इसलिए आगे बढ़े कि गैरों के इस मुल्क में हम तबाह बर्बाद हो जाएं और हमारी मौत पर कोई रोने वाला भी ना हो? क्या हम इसलिए आगे बढ़े कि हमारी कब्रों पर आप अपनी शोहरत नामवरी का महल तामीर करें? हम हजारों सिपाही आपकी एक दीवाना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्यों अपनी जिंदगी और जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दें? क्योंकि तुम सिपाही हो और एक सिपाही का फर्ज है कि वो अपने सिपाही सरदार का हुक्म सुने और उसकी तामीर करे। तो क्या हमने आपके हुक्म की तामीर नहीं की है? क्या हम आपके एक एक इशारे पर मौत को सामने देखकर भी आगे नहीं बढ़ते रहे? क्या हमने अपनी जानें कुर्बान कर करके आपके लिए आधी दुनिया फतह नहीं की है? क्या आप ये चाहते हैं कि दुनिया की हवा भी चलने से पहले आप क्या की तरफ देखा करें? क्या आप ये चाहते हैं कि दरिया भी बहने से पहले आपकी शाही इजाजत तलब किया करें? क्या आप ये चाहते हैं कि सारी दुनिया को अपने हुक्म के रूबरू सरनगू कर लें? मगर आलम पना, दुनिया बहुत बड़ी है और कोई बड़े से बड़ा आदमी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि दुनिया की तमाम कुवतें उसके सामने बेदस्तोपा हो जाएं। आसमानी बाप जुपिटर का खौफ करो, तुम जुपिटर के बेटे को नाराज कर रहे हो। हम जुपिटर के बेटे को नाराज करना नहीं चाहते, हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं। तो जाओ और जाकर अपने घर वालों को यह खुशखबरी सुनाओ कि तुम अपने निकटतर को दुश्मन के इलाके में छोड़ रहे हो, ताकि उसे जिल्लत नसीब हो और वो गुमनामी की मौत मरे। हमने आज तक किसी से भी शिकस्त न खाई थी, लेकिन आज हमारे अपने सिपाहियों ने हमें शिकस्त दे दी। यमनीज, दुनिया क्या कहेगी, तारीख क्या कहेगी, आने वाली नस्लें क्या कहेंगी? मगर हमने एक बात सोच ली है, जाओ और जाकर मुकद्दस बाप के लिए कुर्बानियों का इंतजाम करो। अगर उसने कुर्बानियां मंजूर करनी तो हमारे सिपाही हमारे साथ आ जाएंगे, अगर ना मंजूर कर दी तो हम भी उनके साथ लौट चलेंगे। दुनिया समझ लेगी मुकद्दस बाप ने हमें मना कर दिया। मुकद्दस बाप ने हमारी इज्जत रख ली।
तेरा मुकद्दस बेटा अलेक्जेंडर तुझसे फतह और नुसरत के मैदान में आगे बढ़ने की इजाजत लेने आया है। इसे कुदरत की जबान से इजाजत दे। की चीजें ना मंजूर कर दी, तू आगे नहीं बढ़ सकता। गले से लगाया है, इसलिए देवताओं के कानून के मुताबिक ये तेरी बीवी है, तू इसका शौहर है। अलेक्जेंडर जिंदा, उसका आदम जिंदा। सिल्यूकस, मुकद्दस बाप जुपिटर की मर्जी पूरी हो, बौज को दो हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा तुम्हारे साथ खुशकी की राह से वापस जाएगा, दूसरा हिस्सा माँ बदौलत के साथ दरिया की राह से वापस जाएगा। Yeah.
का अंत भला तो भला आज के तो गाजा अंत भला तो भला आज के तो गाजा बंसरे बजाजा Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.